अब खबर सुकमा से। कांग्रेस शासित नगर पालिका निगम द्वारा हाता क्रिकेट मैदान का व्यवसायीकरण एवं खिलाड़ियों से जबरिया शुल्क वसूलने के पुरजोर विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज हाता मैदान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेता निगम की मनमानी नीतियों पर जमकर बरसे। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि कांग्रेस नगर सरकार शहर के होनहार खिलाड़ियों से जायजा वसूल कर रहे हैं, जिसे अविलंब बंद करना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाता मैदान के सामने धरने पर बैठे रहे, जहां पूर्व विधायक श्री बाफना ने कहा कि खेल मैदान में खिलाड़ियों से शुल्क वसूलने बकायदा उप समिति बनाई गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस नगर सरकार खेल मैदानों से पैसे कमाने का अनैतिक निर्णय खिलाड़ियों व शहर की जनता पे थोप रही है। प्रकाश कार्य समिति सदस्य शिव नारायण पांडे ने कहा कि ऐसे तुगलकी फरमान का कड़ा विरोध होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने गलत फैसले का विरोध कर भाजपा हर कदम में करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने कहा कि निगम के लिए निर्णयों की जानकारी पाबंदों को नहीं दी जाती है। सत्ता के मद से जन विरोधी फैसले कांग्रेस सरकार ले रही है।